आज हरियाणा प्रमुख पर्यावरण के संरक्षण और कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक ने गुरुग्राम के सेक्टर 17 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। नवीन गोयल का कहना है कि पर्यावरण को समर्पित संगठन प्रोजेक्ट ग्रीन एंड गार्बेज ने पूरे भारत पे अपनी प्रभावशाली पहल की है। नवीन गोयल ने आगे बताया कि एक स्वच्छ और हरित भारत बनाने की एक मामूली लेकिन उद्देश्यपूर्ण दृष्टि के साथ शुरुआत करने के बाद प्रोजेक्ट ग्रीन एंड गार्बेज ने एक लंबा सफर तय किया है। इसका मिशन दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है, नियमित सफाई अभियान के माध्यम से भारत को स्वच्छ बनाना और पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से भारत को हरित बनाना है। वहीं नवीन गोयल ने कहा कि संगठन की सफलता का श्रेय काफी हद तक इसके सक्रिय युवा स्वयंसेवकों को दिया जाता है जिन्होंने सफाई अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है। जो खासकर आउटसाइडर लोग थे, जो मुस्लिम भाई थे, लेकिन उसके बाद रोड पर रास्ता सभी खाली हो गया है। हम लोग देखिए, गुरुग्राम का जो शहर है वो अपना शहर है, इसमें देखिए इसकी खूबसूरती को बनाकर रखना हमारा सबका फर्ज बनता है। कई बार कुछ लोग अपनी छोटी बचत के लिए या छोटी प्रॉफिट के लिए अपने इलाके को आगे के ग्रीन बेल्ट के इलाके को या किसी को दे दें, तो प्लीज मैं तो एक भाव के साथ कह रहा हूँ कि अपने गुरुग्राम को बचाओ यार। रोडों के आगे जितना कम से कम हो सके उतना इंक्रोचमेंट तो ग्रीन बेल्टों को हम साफ सुथरा रख सकें। हमारे साथी है सतीश ग्रोवर, सेक्टर 5 में रहते हैं, सेक्टर 5 थाने के पास उनका घर है, आप जाकर के देख सकते हैं। उनकी ग्रीन बेल्ट को हमने एग्जांपल बनाया है, उन्होंने अपने घर जाए ग्रीन बेल्ट को इतनी साफ सुथरी बना दिया है कि और लोगों का भी दिल कर रहा है उस ग्रीन बेल्ट में जाके बैठने का।